ये मटर मैं छील रही हूँ एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के लिए जिसमें ये यूज़ होंगी, गोभी का कीमा। नाम जितना इंटरेस्टिंग है स्वाद उतना ही लाजवाब है। वेलकम टू डिलाइटफुली देसी। आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। इसके लिए मैंने ली है यहाँ पर ये आधा किलो गोभी। गोभी के मैंने फूल अलग निकाल लिए, इनको धो लिया अच्छे से। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। इसके डंठल को नहीं कसना है, खाली ऊपर के फूल को कसना है। इसी तरीके से हम सारी गोभी तैयार कर लेंगे। एक खल्लड़ में हरी मिर्च और लहसुन डाल के इसको भी कूट लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरीके से बस दरदरा रखना है। अब यहाँ एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ, 3 चम्मच ऑयल ले लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा तड़का लेते हैं। अब इसमें ये लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई डाल देते हैं। इसमें हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना तीखा खाते हो उतना तीखा। अब इसको ब्राउन कर लेते हैं। इसमें डालेंगे छीली हुई 1 कटोरी मटर। अब इस मटर को इसके साथ में कोट कर लेते हैं। थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक के इसको मटर को गला लेते हैं। ये मटर हल्की गल गई है। अब इसमें मिलाएंगे मसाले। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इन सबको मटर के साथ में मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कसी हुई गोभी, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जिससे इसमें मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बाकी भी डाल देते हैं। इसको पूरा अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं। इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। गोभी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का सा क्रिस्पी ही रहना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी कटी हुई मेथी। मेथी को हमने रफली चॉप करके धो लिया था। मेथी को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे ताकि मेथी की खुशबू उसमें अच्छी तरीके से भर जाए। अब ये सब्जी एकदम तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इसमें चाहें तो आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। ये सब्जी पूड़ी, पराठा, रोटी आदि के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। गोभी को इस तरीके से बनाकर देखिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।